नमस्कार दोस्तों, आज अपन हिंदी सुलेख की कुछ प्रैक्टिस करेंगे, जिससे सरल शब्दों के माध्यम से अपन एक 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 शब्द सीखकर उनसे कौन से नए नए शब्द बन सकते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले अपन लेंगे ऊ। ये जो ऊ होता है ना, ऊ उससे अपन तीन चार अक्षर बना सकते हैं। जैसे ये ऊ बनाया, और ये अपन इससे भी बड़ा ऊ बना सकते हैं। बड़ा ऊ बनाने के बाद में अपन इसी ऊ को अ में भी बदल सकते हैं। अ के बाद में इसी शब्द का आ भी बना सकते हैं। आ के बाद में इसी एक ऊ से अपन अह भी बना सकते हैं। तो अपन ने सीखा तो एक ऊ है बनाना, कि ऊ बनाना अपन की एकदम तबीयत से अपन ने सीख लिया। उसके बाद में कुछ ही लाइनों का मोड़ तोड़ है, उससे अपन और आसानी से इस ऊ के माध्यम से चार नए शब्द सीख सकते हैं। इसी और ऊ के बाद में अपन लेते हैं जैसे प है। प से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं? प बनाया और इसमें एक यहाँ से लाइन दे देंगे, तो ये हो जाएगा स। स के बाद में प बनाया, फिर इसको यहाँ से घुमा दिया, तो ये हो गया फ। उसी हिसाब से ये प बनाया, तो इसके नीचे थोड़ा सा अपन मार दिया, ये हो गया म। तो एक प से अपन इतने अक्षर सीख सकते हैं, तीन नए अक्षर सीख सकते हैं। अपन को एक प सुंदर से बनाने की प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद कुछ लाइनों के मोड़ तोड़ से अपन इसको आराम से सीख सकते हैं। जैसे अब है ग। घर से कौन कौन से शब्द बना सकते हैं? ये घ है, बस इस घ को अगर अपन यहां से जोड़ दें तो ये म हो जाएगा। और इसी घ को अपन लेते हैं वापिस, इसको अगर यहां से जोड़ दें तो ये स हो जाएगा। और इसी घ को अगर अपन सिर्फ यहाँ से जोड़ दें तो ये र हो जाएगा। र के साथ अगर अपन ये लाइन देते हैं और इसको जोड़ दें तो ये ख हो जाएगा। तो अपन ने एक अक्षर सीखा घ, घ से अपन ने म भी बनाना सीख लिया, र भी बनाना सीख लिया, ख भी बनाना सीख लिया। चौथी प्रैक्टिस लेते हैं अपन भ की, जो भी घ से मिलता जुलता ही है। आधा घ बना के बाद ऊपर घुमा दिया इसको, तो ये भ हो गया। और जैसे भ है, भ को अपन पीछे से ऐसे घुमा दे तो ये झ हो जाएगा। इसी भ को अपन अगर ऊपर ना ले जाकर के यहां से सिर्फ सीधा इधर घुमा दे तो ये ल हो जाएगा। तो एक दो तीन चार, जैसे ऊ प ग भ, इन चार शब्दों से अपन अलग अलग शब्द सीखे हैं। उसी और अपन दूसरे शब्द भी आपको बताता हूँ। अब अपन लेंगे वह से कौन कौन से अक्षर बन सकते हैं? वह इसमें एक लाइन जोड़ देते, ये हो गया ब। इसी वह को अगर अपन यहां से लेकर सीधा अगर यहां से मोड़ दे तो ये हो जाएगा क। क के बाद में इसी वह में अगर अपन स जोड़ दें और
तो ये हो जाएगा ख। तो एक वा से अपन ब क ख तीन अक्षर बनाना सीख सकते हैं। प्रैक्टिस अपन को वह की करनी है, इस जब ये अक्षर सुंदर हो जाएगा तो ये स्वतः ही आपके सुंदर अक्षर हो जाएंगे। सट्टा अपन लेते हैं क्या, लेने के बाद में अपन इसी तरह से देखिए क्या, इसको अगर अपन यहाँ तक घुमा देते ही हो गया ड, इसी तरह को अपन यहाँ तक घुमाया अगर यहाँ तक आगे घुमा देते ही हो गया द। और इसी तरह को अगर अपन छोटा लेके थोड़ा ऐसे घुमा देते ही हो जाएगा द। तो एक तरह से अपन ठ ठ ये चार अक्षर सीख सकते हैं। जैसे सातवा है अपने यह से अपन दो अक्षर सीख सकते हैं, एक तो यह खुद और एक थ। जैसे ये यह लिया, इसमें इसको मोड़ के थोड़ा सा जोड़ दिया तो ये हो गया थ। ठीक है, इसके बाद में अपन लेते हैं त। त के बाद में त बनाया, इसके नीचे र का लन जोड़ देते हैं तो ये हो गया र। ठीक है, और आगे अपन लेते हैं इसकी। तो कुछ एक शब्द भी आपको सीखने होंगे जिसे आप आसानी से आगे के शब्द भी बना सकते हैं। अब अपन लेते हैं ड। को लिया, इसमें अगर अपन ये घुमा करके कर दे तो ये हो जाएगा ई। इसी ड को अपन अगर छोटा ले लें और यहाँ से मोड़ के लगा दे तो ये हो जाएगा ह। और इसी ड में ई बनाने के बाद में अगर अपन ये मोड़ के लगा दे तो ये हो जाएगी अपने बड़ी। बड़ी के बाद में अपन लेंगे ज्ञ। अभी तक नहीं आया आपकी, पहले लेते हैं ज। ज को यहां से लेकर इधर घुमा देंगे तो ये हो जाएगा ज्ञ। और इसी ज को अपन अगर उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा सर। तो इस तरह अपन ने हिंदी के कुछ ऐसे शब्द सीखे हैं जिनको कुछ ही शब्दों को सीखने से आगे का अपने वर्तने का सुधार स्वयं हो जाएगा। इससे इसके लिए अपन को ये प्रैक्टिस करनी है, कुछ शब्दों के ऊपर विशेष प्रैक्टिस करनी है जिससे आगे के शब्द आसानी से हो सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।